Sprightliness यहाँ पे एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है इसका जो राइट right ऑप्शन बनेगा वो है डी एक्टिवनेस स्प्राइटलीनेस का मतलब होता है चलाकी ओके नथिंग इज रियली रॉन्ग विद हिम ओनली एनाडोमिनी एनाडोमिनी बेसिकली ये एक एब्रीविएशन है ए डी का ठीक है ए डी स्टैंड फॉर एनाडोमिनी एनाडोमिनी का मतलब होता है कदीम तारीख पुरानी तारीख इसका राइट right ऑप्शन बनेगा ओल्ड एज ए ऑप्शन दुरुस्त है ही वॉज टेकन टू ग्रेट एग्जीबिशन एज अ टॉडलिंग चाइल्ड टॉडलिंग का मतलब होता है छोटी छोटी टॉडलिंग यहां पे एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है इसका जो राइट right ऑप्शन बनेगा वो बनेगा स्मॉल ए ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है नेक्स्ट हमारे पास ही रिमेंबर्ड दैट फर्स्ट ट्रमेंडियस ऑडियल ऑडियल का मतलब होता है सख्त इम्तिहान आजमाइश ऑडियल यहाँ पे बेटा एज आ नाउन इस्तेमाल किया गया है इसका जो राइट right ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन ट्रायल डी ऑप्शन दुरुस्त है एज अ मॉम द बॉयज़ वर्ल्ड पिटीलेस एंड इम्फ्लैकेबो ठीक है इसको वर्ल्ड की प्रोनाउंसिएशन के ऊपर थोड़ा सा ख्याल किया करें क्योंकि अगर आप इंग्लिश को इंग्लिश के अंदर नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि इसकी प्रोनासीशन के साथ ही मीनिंग तब्दील हो जाते हैं ठीक है तो प्रोनान्िएशन का थोड़ा सा आप ख्याल रखा करें यह implacable, implacable, इम फ्लैकेब इम फ्लैकेबल एम के बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी वर्ड के सामने अगर एम आ जाए सफेक्स और प्रीफेक्स के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो आप इसका मीनिंग ईजीली समझ सकते हैं इम फ्लैकेबल एज एजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है आ, जिसका मतलब होता है कठोर या सख्त दिल इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा जी डी ऑप्शन अनफॉरगिविंग जी नेक्स्ट हमारे पास समाइम्स ब्रोकफील्ड ड्डलेट्स टू नॉन एग्जिस्टेंस डेंडलेट का मतलब होता है बेटा कम ठीक है कसीर मकदार में या कमी को कहते हैं ये एज अ वर्ड इस्तेमाल किया गया है इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है बी ऑप्शन डिक्लाइंड uh, यहाँ पे एक ऑप्शन है बी ऑप्शन तो वो आपका क्या होगा दुरुस्त होगा ओके नेक्स्ट हमारे पास एन एनकर्ड प्लेड टू अ ट्रेजिक ऑडियंस एनकर एनक का मतलब होता है बेटा दरख्वास्त यानी किसी भी चीज के बारे में जब आप रिपीट रिपीटेडली जब आप कोई सपोज करें हम कोई परफॉर्मेंस देख रहे हैं स्टेज के ऊपर और हम रिपीटेडली उसको कहते हैं कि भाई आप ये परफॉर्मेंस हमें दोबारा दिखाएं दोबारा दिखाएं ठीक है तो इसी सिचुएशन को जो है ना हम कहते हैं एन कोड यानी रिपीटेडली बार बार किसी चीज़ की दरख्वास्त करना ठीक है इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा जी हमारे पास बी ऑप्शन इसका क्या है दुरुस्त है रेपीटिशन बी ऑप्शन Across the road, behind a रैम्पर्ड of ancient elms, lay ब्रोकफील्ड रैम्पर्ल्ड रैम्पर्ड यहाँ पे नाउन इस्तेमाल किया गया है इसका जो मीनिंग uh, है वह है दीवार या जिससे हिफाजत रहे ठीक है यानी एक ऐसा कवर ऑफ एरिया जिससे आपकी हिफाजत रहे जिससे किसी भी चीज़ की हिफाजत रहे उसको हम क्या कहते हैं रैम्पर्ड कहते हैं ठीक है दीवार को भी आप रैंपल्ड कह सकते हैं या कोई ऐसा इहाता जिससे आपकी हिफाजत रहे उसको आप रैंपल्ड कह सकते हैं तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन कवरेज यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है जो ये आपका राइट ऑप्शन है उसके बाद है ब्रुकफील्ड वॉज रेसिट अंडर इट्स मैंटल ऑफ क्रीपर मैंटल मैंटल कहते हैं लिबादे को लिबादा या चुगा एक ही मतलब ऐसे समझने के वो एक ही शेप में सिलवाया जाता है जिस तरह से अरबी लोग पहनते हैं सऊदी अरब के अंदर पहनते हैं या दुबई के अंदर आपने उनकी ड्रेसिंग देखी होगी उसको हम आ, क्या कहते हैं मैंटल कहते हैं या लिबादा उर्दू में कहते हैं चुगा भी उसको आप कह सकते हैं ठीक है इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है सी ऑप्शन क्लॉक इसका आएगा क्लॉक सी ऑप्शन ओके उसके बाद है ही रिलीज द एनाडिक्वेसी ये वर्ल्ड इसको मैं इसी वजह से आहिस्ता पढ़ रहा हूँ ताकि आपको इसकी सही प्रोनाउंसिएशन का पता चल जाए ये वर्ड है एनाडिक्वेसी ठीक है इसका मतलब होता है बेटा कुताही नुक्स खोट ठीक है एनाडिक्वेसी का मतलब होता है कोताही नुक्स या खोट यहाँ पे ये एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा जी डी ऑप्शन इन सफिशेंसी चले जी नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ अप्रोप्राइट प्रीपोजिशन ही इज़ अ प्रोफेसर डैश इंग्लिश यहाँ पे आएगा ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश ठीक है स्पेसिफिक सब्जेक्ट uh, की तरफ इशारा इशारा किया जा रहा है तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है ऑफ वी शुड ऑलवेज प्रे डैश अल्लाह आलमाई इसका आएगा बेटा टू ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ इसका दुरुस्त है नेक्स्ट uh, हमारे पास डू नॉट मेडल डैश माई मैटर्स इसका आएगा इन ठीक है बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है डो नॉट मैडल इन माई मैटर्स ही जम्प्ड डैश द रिवर ही जंप्ड ओवर द रिवर ठीक है ओके नेक्स्ट हमारे पास ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग आएगा इसका सी ऑप्शन क्या है दुरुस्त है चले जी नेक्स्ट हमारे पास चूज ए प्रोप्राइट करेक्शन वन शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स अच्छा ऊपर कुछ ऐसे प्रिपोजिशन है जिनकी मैंने आपको रीज़न नहीं बताई वो इस वीडियो के अंदर मैं इसी वजह से छोड़ रहा हूँ रीज़न ताकि आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे क्वेश्चन करें ठीक है कि आपने सर अगर यहाँ पे ऑफ़ आया है यहाँ पे इन आया है यहाँ पे ओवर आया है तो वो किस तरह से आया है ताकि आप कमेंट बॉक्स में आएँ और हम हमसे क्वेश्चन करें हम वहाँ हम आपको इन शाह करेंगे ठीक है इसी तरह से आप वीडियो नहीं देखते और पार्टिसिपेट नहीं करते आप वीडियो में तो लिहाजा रीज़न्स हम आपको इसी वीडियो के अंदर नहीं बता रहा मैं ठीक है वो सिर्फ यही वजह है कि आप कमेंट बॉक्स में आएंगे वहाँ पे कमेंट करेंगे कमेंट के साथ आप हम हमसे क्वेश्चन करेंगे अगर सर यहाँ पे हमारा ऑफ आया है यहाँ पे ओवर आया है अपॉन आया है या जो भी है दिस इन डैड तो आप बताएँ कि सर इसकी रीज़न क्या है ठीक है तो वहाँ पर इनशाला मैं आपको रिप्लाई करूँगा चले जी नेक्स्ट है हमारे पास चूज अप्रोप्राइड करेक्शन वन शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर्स वन शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर इसका जो राइट right सेंटेंस है बेटा वो है ए सेंटेंस ए ऑप्शन वाला यानी वन शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स अब देयर क्यों लगाया यहाँ पे ठीक है ये हम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएंगे वहाँ आके आपने क्वेश्चन करना है हमसे नेदर यू नार ही आर बिजी ठीक है सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है नेदर यू नार ही इज बिजी इसका राइट right ऑप्शन है ओके नेक्स्ट हमारे पास आई हैव कम हेयर यस्टरडे आई हैव कम हियर यस्टर डे इसका बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है आई केम हियर यस्टर डे क्वेश्चन नंबर है फोर टेन डियर्स आर सीटिंग इन द फरेस्ट ठीक है टेन डियर्स आर सीटिंग इन द फॉरेस्ट इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा टेन डियर आर सीटिंग इन द फोरेस्ट ठीक है तो ये ऑप्शन क्यों यहाँ पे हमने डी क्यों लगाया है मैं आपको बार बार कह रहा हूं जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वीडियोस के अंदर तब तक आपको रीज़न नहीं बताए जाएंगे लिहाजा आप कमेंट बॉक्स में आएँ और क्वेश्चन करें इसका ताकि हम आपको वहाँ पे फर्दर इसका रिप्लाई कर सकें जी नेक्स्ट हमारे पास ही सेट दैट आई एम एल इसका जो राइट right ऑप्शन बनेगा वो है बी ऑप्शन ही सेट दैट आई एम इल ये राइट यहाँ पे राइट right सेंटेंस लिखा गया है तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों का नासिर हो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वर्क